आदित्यनाथ ने केजीएमयू में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया। इससे अब फेफड़े के कैंसर सहित छाती से जुड़ी बीमारियों की सर्जरी आसानी से हो सकेगी। नशे से जुड़ी बीमारियों के मरीजों को भी लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में केजीएमयू का बड़ा योगदान रहा है। देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में नए परिवर्तन होते हम देख रहे हैं। उन्नति और अवनति क्या होता है? बीच जब बढ़ता है तो उन्नति होती है और बीच पड़े पड़े सड़ जाए तो अवनति होती है। कोरोना महामारी में उस स्थिति को देखा है। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केजीएमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर बिपिन पुरी भी मौजूद रहे। मैं केजीएमयू परिवार को आज की इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि देश के सबसे बड़े चिकित्सा विश्वविद्यालय में कुछ नई प्रगति के नए आयाम छूते हुए हम सब इसे देख रहे हैं। हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन में या सार्वजनिक जीवन में भी देखते हैं, आखिर उन्नति और अवनति क्या है? एक बीज का वृक्ष बन जाना ये उसकी उन्नति है, लेकिन एक बीज का पड़े पड़े सड़ करके नष्ट हो जाना ये उसकी अवनति है। हम जिस सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उस क्षेत्र में कुछ नया नहीं कर सकते तो हमारी स्थिति बीज की द्वितीय स्थिति द्वितीय स्तर की होती है। लेकिन अगर हम उस विभाग को समय के अनुरूप परिवर्तित करके देश काल और परिस्थिति के अनुरूप आगे बढ़ाने में मदद करते हैं तो हम उसके उन्नति के वाहक होते हैं। और मुझे लगता है कि हमेशा समाज उन्नति को देखता है। आज केजीएमयू में ये तीन महत्वपूर्ण उपलब्धियां, वैस्कुलर सर्जरी विभाग में, थोरेसिक सर्जरी विभाग में और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में, ये जो तीन चीजें क्रमिक रूप से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं।